याद करिए जब पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप के लिए जो सेलेक्शन हुआ था उसके बाद मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था कि घटिया चीफ सेलेक्टर की घटिया सेलेक्शन, जिन खिलाड़ियों को लिया गया था आमिर उनसे नाखुश थे और आज भी मोहम्मद आमिर ने जमकर पाकिस्तान टीम को रेला है, जमकर उनकी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने चीफ सेलेक्टर को भी अपने पाले में लेते हुए उनकी भी जोरदार आलोचना की है। बता दें कि पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे से एक रन के करीबी अंतर से हारा है और सेमीफाइनल के रेस से जो है इस समय पाकिस्तान लगभग में बाहर हो चुका है। अभी जो ना बस कैलकुलेटर की जरूरत अब जो है पाकिस्तान को पड़ गया है, क्योंकि आगे जितने भी मुकाबले खेले जाने, अगर आप सारे मुकाबले जीत भी लो तो भी आप जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की हार के बाद क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा था, फ्रॉम डे वन मैं पहले दिन से कह रहा था कि पुअर सिलेक्शन हुआ है, जिन खिलाड़ियों को लेकर गए हैं वो वर्ल्ड कप में खेलने लायक नहीं है, उस इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट रीड ऑफ सो कॉल्ड चेयरमैन, जो पीसीबी का खुदा बना हुआ है, एंड सो कॉल्ड चीफ सेलेक्टर। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को खरी खोटी नहीं सुनाई है, लेकिन उन्होंने रमीज रजा को, उन्होंने मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सेलेक्टर है उनको खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि इन लोगों ने बहुत ही घटिया सेलेक्शन किया था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।